नून स्टूडेंट्स, देखो एज यू रिक्वेस्टेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो आई एम स्टार्टिंग इट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। So here the poem is given। So poem diya hua hai, dekho usme se question diya hua hai। First question, what do the crow and hemlock symbolize? So crow aur hemlock kya symbolize karta hai, theek hai? So log answer mein aate hain। The crow symbolizes joy। क्रो क्या करते हैं ना, जॉय हैप्पीनेस का सिंबलाइज़ करते हैं, और हेमलॉक हेमलॉक ट्री सिंबलाइज़ सोरो। हेमलॉक ट्री क्या करते हैं ना, सोरो दुख का, सैड का, ठीक है, सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट, द मूड ऑफ पोएट चेंज्ड बिकॉज। पोएट का मूड चेंज क्यों हो गया था, क्यों चेंज हो गया था ना, बिकॉज बोलो तुम लोग, गेस करो। तो उसके ऊपर गिर, जब क्रो ने बर्फ गिराया, स्नो गिराया, तब उसका मूड चेंज हो गया था। देखो आंसर में आते हैं बी का, ही सॉ अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हीम। तो उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिराया था, एंड दस द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड। ऐसे ही स्नो का जो गिरना, उसका मूड क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। सी क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, व्हाट डज द पोएट मीन, क्या मतलब पोएट ने किया, व्हेन ही सेज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। वो जब बोला, पोएट ने जब बोला कि मेरा दिन का कुछ समय बच गया, ठीक है, कुछ समय बचा लिया था, क्या बचा लिया था ना, जब स्नो का गिरना उसके ऊपर जब गिरा था, ठीक है, तब उनका क्या हुआ था, उनका दिन बच गया था, क्योंकि उनका मूड उसके बाद चेंज हो गया था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, द क्रो सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। दिस सीव द पोएट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे एज सी डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग। तो अभी दिन का समय बचा लिया था क्या, तो ही सो, तो कैसे बचा लिया था उनका दिन, जब तो उसको जब देखने के लिए मिला, क्रो देखने के लिए मिला, जब उसके ऊपर डस्ट गिराया, और उसके बाद वो जो दिन भर उसके लिए जो अपसेट था दिन भर, ठीक है, रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स पछतावन, जब पछता रहा था पहले से, ठीक है, जब दुखी हो रहा था, ठीक है, तो जब शोक मना रहा था, शोक रिपेंट मतलब शोक करना, रिग्रेट मतलब पछताना, जब पछता रहे थे और शोक मना रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका दिन खराब था, ठीक है, तो उसके बाद उसका समय, जब उस घटना के बाद जब क्रो ने उसके ऊपर स्नो गिराया, उसके बाद वो क्या अपना समय क्या किया, वेस्ट नहीं किया, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, दिन का जो बाकी भाग है वो उसका सेव हो गया था, ठीक है। देखो उसके बाद डी, हु सूक द डस्ट ऑफ स्नो, कौन गिराया था, इसका आंसर देखने का जरूरत नहीं है, कौन गिराया था, द क्रो। नेक्स्ट,
देखो उसका और देखिए, और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है बोलो ना। हियर डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू पार्टिकुलेट मैटर ऑफ स्नो दैट सेटल्स ऑन सरफेस आफ्टर ए स्नोफॉल। स्नोफॉल के बाद जो गिरा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है, द पीसेस ऑफ स्नो, पीसेस ऑफ द आइसेस, बर्फ का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डस्ट ऑफ स्नो बोलेंगे, ठीक है, जो नीचे गिरा हुआ रहता है। व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज कन्वेड इन दिस लाइन, उनका पोएट इस लाइन जब बोल रहे थे पोएट का मूड क्या था ना, द पोएट्स ऑल्टर्ड मूड वन दैट चेंजेस फ्रॉम सोरो टू जॉय इज डिपिक्टेड हियर। उसका जो परिवर्तित हुआ मन मतलब क्या है ना, जब वो जब गिरने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर जब स्नो गिरा उसके बाद उसका मन क्या हो गया था, चेंज हो गया था, उसका मूड चेंज हो गया था, जब वो सैड से हैप्पी हो गया था, तो उसी मूड का बात इधर किया जा रहा है, ठीक है, उनका अल्टर्ड हो गया था मूड, उसका ट्रांसफर्ड हो गया था मूड, सैड से, ठीक है, हैप्पी हो गया था। नेक्स्ट व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, तो क्या किया था हेमलॉक ट्री से, द क्रो सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या किया था ना, गिराया था, ठीक है, उनका मूवमेंट जो क्रो का मूवमेंट, ठीक है, क्या किया था ना, हेमलॉक ट्री से स्नो गिराया पोएट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, देखो जो पोएम में छोटा पोएम है समझ में आया तो उसका, व्हाट डिड द ट्री हैव इट देन, तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके व्हाट डिड द ट्री हैव ऑन इट देन, उसके ऊपर क्या था, मतलब ट्री के ऊपर क्या था, ट्री के ऊपर क्या था, ट्री के ऊपर स्नो था, जो कि वही स्नो क्रो ने गिराया था, ठीक है, द ट्री हैड स्नो ऑन इट्स लीव्स, उसके पत्ते के ऊपर क्या था ना, स्नो था, जो कि कौन गिराया था, क्रो ने पोएट के ऊपर गिराया था, ठीक है, उसके बाद उनका मूड चेंज हो गया, सैड से वो हैप्पी हो गया।